किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से दिखाया जा रहा है आपको अगली खबर, जहां पर नाला निर्माण कार्य में अनियमितता के चलते लोगों में देखने को मिला भारी आक्रोश, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही साथ जिला पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत जिरनगंज के वार्ड सदस्यगण हैं, जिनकी जिरनगंज पंचायत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 15वीं वित्त आयोग ग्राम पंचायत अनुष्ठाइट के तहत वार्ड नंबर 3 में कादिर के घर से लेबुआ के घर तक लाना निर्माण कार्य, प्राकलन राशि 8 लाख रुपए से 9,200, वार्ड नंबर 12 में शाबुद्दीन के घर से इब्रा तक नाला निर्माण प्राकलन राशि 10,89,400 तक, वार्ड नंबर 15 में मुस्तफा के घर से खाड़ीदार नाला निर्माण कार्य प्राकलन राशि 13,11,600 में घोर नियमितता बरती गई। उक्त तीनों नाला निर्माण कार्य में मुख्य पति नजरुल हक, पंचायत सचिव जनमोहन सिंह व कनिका अभियंता कैसर आलम आपसी साठगांठ कर लोकल मिट्टी युक्त बालू तथा बजरी का प्रयोग रहे थे, जिसके चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जीरनगाज पंचायत के वार्ड नंबर 3 में कादिर के घर से और नेबुआ घर तक नाला निर्माण कार्य होना था, क्या वहां तक नाला निर्माण कार्य हुआ है? जी नहीं, वहां तक तो नहीं हुआ है। और ये हमको जब इस योजना शुरू हुआ मुखिया तक हम तक पूछा भी नहीं है, आया है लेबर लेकर के काम शुरू कर दिया। और इस्टीमेट के बारे में उनसे पूछे कि मुखिया जी कहाँ से कहाँ तक इस्टीमेट है, तो बोला कि इस्टीमेट लेके क्या कीजिएगा, काम हो रहा है काम होने दीजिए। जब बोर्ड लगा तब हमको पता लगा भाई इस्टीमेट तो कादिर के घर से नबुआ के घर तक था, नबुआ के घर के पास तो बना नहीं है। तो इसके लिए ग्रामीणों का आरोप है कि नाला निर्माण कार्य में काफ़ी अनियमितता बढ़ता गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप वार्ड मेंबर हैं। जी हाँ, वो सही है, ग्रामीणों का कहना भी सही है, क्योंकि ग्रामीण के घर बना है, वो लोग चलेंगे, वो लोग यूज करेंगे, तो उसका तो कहना स्वाभाविक ही है। उसमें हम भी कई बार जो मुखिया तो यहाँ रहते नहीं थे, ठेकेदार के द्वारा काम किया गया, और वो लोग को जब भी हम रहते थे भाई बढ़िया से कीजिए, वही बोले कि नहीं है, जितना देने का हम बोले उतना देते हैं। जब हम लोग को मेम्बर को कुछ मान्यता दिया ही नहीं है। कितने की लागत से बना है नाला? ये बनाया है 8,09,200 रुपये का लागत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नज़ीर आलम, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। घर से लेके खाड़ी तक नाला निर्माण होना था, क्या नाला यहाँ बना है? नहीं बना नहीं है। नाला ना होने से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत इधर पानी लगा हुआ रहता, बहुत दिक्कत है। लेकिन पेपर में दिखा रहा है कि नाला जो है यहाँ बन गया, लेकिन जमीनी स्तर बता रहा है कि यहाँ नाला कुछ भी नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं बना नहीं है, यहाँ कहीं नहीं बना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहिम आलम।